बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। लास्ट लेक्चर में हमने हिजरत हबशा चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट की थी। ये चैप्टर हमारा इस्लामियात की रीडिंग बुक पे पेज नंबर 42 और 43 पे था। ये रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आज हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। पेज नंबर 45 पे हमारा बुक वर्क मौजूद है, आज हम वो कम्प्लीट करेंगे। ये पेज नंबर 45 पे हमारा काम मौजूद है, आज हम इंशाल्लाह ये कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहले है सरगर्मी 2, मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। नंबर 1, अल्लाह की खातिर अपना घर और वतन छोड़ना डैश कहलाता है हिजरत। नंबर 2, पहली बार हिजरत हबशा करने वाले लोग लौट आए क्योंकि खबर फैल गई कि डैश मुसलमान हो गए थे कुफारे मक्का। नंबर 3, नजाशी के दरबार में मुसलमानों की तरफ से डैश ने तकरीर की, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 4, कुफारे मक्का के वफद ने नजाशी को कहा, मुसलमान हमारे डैश हैं, इन्हें यहाँ से निकाल दें मुजरिम। नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के डैश हैं बेटे। नंबर सरगर्मी 3 है, मैचिंग है हमारी, कालम अलीफ और कालम बे को एक दूसरे के साथ मैच करना है दुरुस्त आंसर के साथ। सबसे पहले है वो एक तुमके के बराबर कम ना ज़्यादा, इसको मैच करेंगे, नजाशी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक कहा। फिर उसके बाद है कुरैश का वफद, मैचिंग है इसकी नाकाम लोटा। कुरान की तिलावत सुनकर इसको हम मैच करेंगे, नजाशी मुतासिर हुआ। मुसलमानों की हबशा की तरफ हिजरत, इसको हम मैच करेंगे दो बार, यानी मुसलमानों ने हबशा की तरफ दो बार की। ऐ बादशाह हमें उम्मीद है कि, इसको हम मैच करेंगे, आपके मुल्क में हम पर जुल्म ना होगा। मैचिंग कंप्लीट करने के बाद सरगर्मी 4 है, नीचे दिए गए खाली जगह पर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर में बयान करदा जहालियत के दौर की 3 बुराइयां लिखें। नंबर 1 पे है बुतों की इबादत करते थे। नंबर 2 पे मुर्दार खाते थे। नंबर 3 पे गुनाहों के आदि थे। ये पेज नंबर 45 पे, ये जो आप लोगों का बुक वर्क है, ये आपने अच्छी हैंड राइटिंग में कम्प्लीट करना है, बहुत साफ लिखना है और अच्छी तरह से इसको याद करके ज़ुबानी लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।